हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में। और प्रीवियस क्लास आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हम सब डायग्राम इंटरप्रिटेशन में थे। उसी चैप्टर को आज आगे बढ़ाने की ओर चलेंगे और आज हम लेकर के आएंगे उसी चैप्टर का टाइप नंबर 2, जिसका नाम है डायग्राम इंटरप्रिटेशन। डायग्राम इंटरप्रिटेशन के तहत में आज हम सब चलेंगे इसके टाइप नंबर 2 पर। टाइप 1 की विस्तृत चर्चा हमने अपने प्रीवियस क्लास में किया था। आपको मालूम है कि किस प्रकार से टाइप 1 की पूरी कहानी कही गई थी छात्रगण, कि आपका 3 इम्बेडेड चित्र होते हैं, जो कि एक सर्कुलर बेस पर होता है, वेन के बेस पर होता है, और उस वेन के बीच में आपको संबंधों को ज्ञात करना था। आज की पूरी क्लास समर्पित है ठीक उसी का टाइप नंबर 2 पर। वहाँ पर तो एक ही फिगर था जिसको वेन कहते थे, यहाँ पे कई जियोमेट्रिकल फिगर एक साथ एम्बेडेड होंगे। कई जियोमेट्रिकल फिगर, अच्छी तरह से छात्रगण याद रखें, कई जियोमेट्रिकल फिगर एक साथ एम्बेडेड होते हैं, एक साथ एम्बेडेड रहेंगे। इनके एम्बेडेड होने की शर्तें क्या हैं भाई? कि देखिए, इनकी एम्बेडेड होने की शर्त क्या है? किसी किसी क्वेश्चन में 3 फिगर, 4 फिगर, जितना भी चित्र दिया रहे, ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड किए हुए रहेंगे। एक वन ऑफ द क्वेश्चन का एग्जांपल देखिए। टाइप नंबर 2 लिख लिए हैं, चैप्टर वही है डायग्राम इंटरप्रिटेशन टाइप नंबर 2। आप यहां देख रहे हैं कि एक यहां पर रेक्टेंगल है जिसको आयत कहते हैं, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, और एक आपका ट्रायंगल है। ये 4 चित्र हैं जो सभी में क्या हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अटैच्ड किन रूपों में है ये आपको नहीं देखना है, सिर्फ कितने चित्र अटैच्ड किए हैं ये अभी आप जानकारी लिख लीजिए। तो एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, एक आयत है, एक वृत्त है, और एक वर्ग है। ये 4 चित्र आपस में कोलाइड किए हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। प्रश्न में इन सभी चित्रों को इंडिकेशन दिया गया है कि जो वृत्ताकार आकृति है वो नगर में रहने वाले को इंडिकेट कर रहा है। ये जो वृत्ताकार आकृति है ये नगर में रहने वाले को इंडिकेट कर रहा है। जो इस प्रकार का स्क्वायर आप देख रहे हैं ये सिविल कर्मचारी को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह का स्क्वायर जो है वो सिविल कर्मचारी को है। इस प्रकार की जो आकृति है, आयताकार आकृति है, वो पुरुष की है, और जो त्रिभुजाकार आकृति है वो शिक्षित लोगों को इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार से नगर में रहने वाले, सिविल कर्मचारी, पुरुष और शिक्षित, ये 4 के 4 जो है एक दूसरे से इस प्रकार से अटैच्ड किए हुए हैं। ओके, अब इनके द्वारा में आपको एक बातों का ध्यान रखना है कि प्रत्येक आकृति में क्या क्या चीज है। एक त्रिभुज को उठाइए आप, त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर में कौन कौन सी आकृतियां, कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है। नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, कुछ भी। तो देखिए, 4, 11 और 5, ये 3 नंबर दिया हुआ है, 4, 11, 5। अब ये देखिए कि त्रिभुज क्या कह रहा है, त्रिभुज कह रहा है कि शिक्षित, यानी ये तय हुआ कि 4 नंबर का व्यक्ति, 11 नंबर का व्यक्ति और 5 नंबर का व्यक्ति शिक्षित हो गया। जिस चित्र में जो भी नंबर दिया हुआ है वह उस चित्र को कंप्लीट इंडिकेशन करता है, करेगा। 4, 11 और 5 ये आपका शिक्षित को इंडिकेट कर रहा है, यही शिक्षित इसमें इंडिकेट होंगे 4, 11, 5 के रूप में। आयताकार में देखते हैं पुरुष है, अब देखिए ये वाला जो आकृति है वो पुरुष को, कितना कितना है देख लीजिए, 12 है, 6 है, 8 है, 4 है, 11 है, 9 है, ये सभी आयत के अंदर हैं। अर्थात 12, 6, 8, 4, 11 और 9 निश्चित रूप से क्या होगा, मेरा पुरुष होगा। लेकिन यहीं पर एक कहानी कही जाती है। कहानी क्या कही जाती है कि एक ही अंक कौन कौन से चित्र में है वो आपको सबसे पहले देखना है। एक अंक कौन कौन से चित्र में, आप देख लीजिए। अगर हम 11 की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि 11 त्रिभुज में भी है और 11 आयत में भी है। 11 जो दिख रहा है, 11 अंक जो दिख रहा है वो त्रिभुजाकार आकृति में भी दिख रहा है और आयताकार आकृति में भी दिख रहा है। यानी 11 के बारे में क्या कहेंगे, 11 के बारे में यही कहा जा सकता है कि यह पुरुष भी है और यह क्या है, शिक्षित भी है। ये 11 पुरुष भी हुआ और ये 11 शिक्षित भी हुआ, ये दोनों चीज हुआ, पुरुष और शिक्षित दोनों हुआ। 11 जो है आपका पुरुष भी हुआ और क्या हुआ, शिक्षित भी हुआ। तो इन दोनों स्थितियों में छात्रगण हम सब इस नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है 11 जो है वो आपका पुरुष भी हो गया और शिक्षित भी हो गया। हम 9 की बात करें तो 9 देख लीजिए एकदम से अकेले है और सिर्फ ये आयताकार आकृति में 9 मजबूत है, इसको कोई भी फिगर टच नहीं कर रहा है। अर्थात 9 के बारे में कहा जाएगा कि यह सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ता है। 4 के बारे में देख लीजिए, 4 जो अंक है आपका वो त्रिभुज में भी दिख रहा है, वृत्त में भी दिख रहा है, आयत में भी दिख रहा है। वृत्त क्या कहता है, नगर में रहने वाला, 4 जो है वो नगर में रहने वाला है।
त्रिभुज जो है यानी कि वो शिक्षित भी है, और चूंकि ये आयताकार आकृति में भी दिख रहा है तो यानी ये पुरुष भी है। अर्थात चार जो है वो पुरुष भी है, नगर में भी रहता है और शिक्षित भी है। बस इसी चीज को बहुत ही बारीकी से आपको इस पूरे क्वेश्चन आंसर के राउंड में पकड़ना है छात्रगण, कि कैसे इन प्रश्नों का निर्माण होता है और कैसे ये बनते हैं। उसी प्रकार जब आप वर्गाकार आकृति में जाएंगे तो वो कहता है कि ये सिविल कर्मचारी है। सिविल कर्मचारी मतलब जो वर्दी नहीं पहनता है, आम सिविल कर्मचारी है। यानी कि सिविल कर्मचारी में देख लीजिए आपको क्या है, अंक 7 सिविल कर्मचारी को इंडिकेट करेगा, 8 सिविल कर्मचारी को इंडिकेट करेगा, 10 सिविल कर्मचारी को इंडिकेट करेगा, 6 सिविल कर्मचारी को इंडिकेट करेगा। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसमें से क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि नंबर 10 के बारे में आपको आपको समझाया जा रहा है, अंक 10 के बारे में आपका क्या तात्पर्य है। तो आप बस एक ही चीज कह पाएंगे कि अंक 10 किस चीज को इंडिकेट करेगा, अंक 10 आपका वृत्ताकार आकृति में है यानी कि वो नगर में रहने वाला है, अंक 10 आपका वर्गाकार आकृति में भी दिख रहा है अर्थात वो सिविल कर्मचारी है, अर्थात 10 जो है वो नगर में भी रहने वाला है और ये सिविल कर्मचारी भी है, दोनों चीजें ये है। तो छात्रगण यही आधार होता है ऐसे प्रश्नों को, यही कंसेप्ट होते हैं इन चीजों को पकड़ने का छात्रगण। तो आज इसी चैप्टर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं टाइप नंबर 2 पर, जिसको हम सब डायग्राम इंटरप्रिटेशन का नाम दिए हैं और उसी पर टाइप नंबर 2 पर आपका स्वागत कर रहे हैं। तो इस देखिए इसके लेकर के क्वेश्चन क्या बनाता है, कहता है कि कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला नहीं है। ये कितना चीज है, वो शिक्षित भी होगा वो पुरुष भी होगा लेकिन नगर में नहीं रहने वाला होगा, वो नगर में ही रहने वाला होगा। आपको सलाह दिया जाता है कि आप परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएं, तो कुछ नहीं करना है, जितना जो आकृति आपको दिख रहा है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएं आपकी होनी है, तो आप सिंपल से एक कॉपी में क्या कर लीजिए, जल्दी जल्दी देखिए ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर वृत्त नगर में रहने वाला, तो ये जल्दी से इंडिकेशन कर लीजिए कि हाँ भाई ये नगर में रहने वाला है, नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला ये शो कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है वो सिविल कर्मचारी है, ये जो बंदा है ये सिविल कर्मचारी का है, सिविल कर्मचारी, ये सिविल कर्मचारी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पुरुष है, ये जो बंदा है ये जो है ये पुरुष को इंडिकेट कर रहा है, पुरुष है, ठीक है ना। और ये जो है वो शिक्षित है, अर्थात ये जो है ये शिक्षित है। बस आसानी से हो जाए आप क्वेश्चन, आपका बिल्कुल अब जो भी क्वेश्चन पूछेगा बहुत मजे से आप जवाब दे पाने में कामयाब होंगे। कहता है कि कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में रहने वाला नहीं है, तो देख लीजिए ये शिक्षित हो गया और ये हो गया पुरुष जो नगर में नहीं रहता है। तो नगर में नहीं रहने वाला कौन है, देख लीजिए नगर में रहने वाला वृत्ताकार है, यानी कि हम सबसे पहले उठाएंगे इसमें 4 के बारे में बात करिए आप। तो 4 देखिए क्या क्या चीज बता दीजिए जल्दी से, 4 शिक्षित भी है, 4 पुरुष भी है और 4 नगर में भी रहता है, यानी 4 की कहानी खत्म हो गई। ऑप्शन के आधार पर चल रहे हैं, 11 को देख लीजिए, 11 देख लीजिए शिक्षित है, 11 इसलिए शिक्षित है क्योंकि भाई आपका ये त्रिभुजाकार आकृति में भी 11 है अर्थात ये शिक्षित भी हो गया, ये पुरुष भी होगा क्योंकि ये आयताकार आकृति में है इसलिए पुरुष भी हो गया 11। तो 11 मेरा शिक्षित भी है पुरुष भी है और ये नगर में नहीं रहता है। क्यों नहीं नगर में रहता है, क्योंकि नगर में रहने वाला का जो चित्र होगा वो आपका गोलाकार आकृति में होगा अर्थात ये नहीं हो सकता है। यानी कि दो चीज हमको खोजना था, यानी कि ऐसा अंक खोजिए जो सिर्फ दो ही चीज में स्थित है। तो 11 देख लीजिए आपको ये ट्रायंगल में भी स्थित है और आयत में भी स्थित है, अर्थात 11 जो होगा वो मेरा पुरुष भी है और शिक्षित भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 11 और ये व्यक्ति साथ ही साथ ये जो बंदा है ये जो व्यक्ति है वो नगर में नहीं रहता है। तो कितने आसान हो जाते हैं प्रश्न छात्रगण और कितने मजे तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाने में कामयाब होते हैं। तो यही है आपका टाइप नंबर 2 का जो पड़ाव था हम सबों के बीच में, यही एक सिंपल सा पड़ाव है इसका, कि आप पूरे कहानी को अच्छी तरह से समझिए क्या कहता है, एक एक चित्र को एक एक अंक को देखिए फलाना अंक क्या बयान करता है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए अंक 10 के बारे में आपका क्या कहना है, अंक 10 किस प्रकार का व्यक्ति है, तो आप कहेंगे कि सर अंक 10 जो है ये सबसे पहले तो पुरुष नहीं है, क्योंकि देखिए ये आयताकार आकृति पुरुष को इंडिकेट करता है, 10 इसमें नहीं है, ये पुरुष नहीं है, महिला होगी, हमको क्या मतलब है क्या होगी। तो अंक 10 जो होगा वो पुरुष नहीं है या शिक्षित भी नहीं है, देख लीजिए 10 कहाँ है, वृत्ताकार आकृति में और वर्गाकार आकृति में है, ये पुरुष भी नहीं है ये शिक्षित भी नहीं है लेकिन ये सिविल कर्मचारी है, चूंकि ये वर्गाकार आकृति में है ये सिविल कर्मचारी में है और साथ ही साथ यह नगर में रहता है। तो अंक 10 के बारे में निकल करके आया कि यह सिविल कर्मचारी है और यह नगर में रहता है, क्लियर ना। उसी प्रकार अंक 12 के बारे में आपकी राय क्या होगी,
आप सीधे सीधे अंक 12 के बारे में कहेंगे कि सबसे पहले तो सर वह पुरुष होगा। पुरुष क्यों होगा? क्योंकि अंक 12 आपको आयताकार आकृति में भी नजर आ रही है और यह वृत्ताकार आकृति में भी नजर आ रहा है। वृत्त कहता है नगर में रहने वाला, तो अंक 12 जो है वो पुरुष है और साथ ही साथ नगर में रहने वाला है। देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरीके से। उसके बाद कहता है, अब आपसे एक राय लेते हैं, अंक 6 के बारे में आप बताइए, अंक 6 क्या क्या है। अब आप बोलने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। अंक 6 वृत्त में दिख रहा है अर्थात ये नगर में रहने वाला है। अंक 6 वर्ग में दिख रहा है अर्थात ये सिविल कर्मचारी है। अंक 6 आयताकार आकृति में दिख रहा है अर्थात ये पुरुष है। क्या कहना है? तो छद्म बहुत बहुत आसान तरीके से, अंक 3 के बारे में आपको क्या कहना है? अंक 3 सिर्फ एक ही फिगर में स्थित है अर्थात यह केवल और केवल नगर में रहने वाला है। ना तो यह पुरुष है, ना तो यह शिक्षित है और ना तो यह सिविल कर्मचारी है। यह सिर्फ और सिर्फ नगर में रहने वाला है। यह है अंक 3 का डिनोमिनेशन। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किए होंगे छद्म। तो इन्हीं कंसेप्टों के आधार पर अब आपको आगे के प्रश्नों की ओर लेके चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरी चैप्टर आपके साथ में चली गई होगी, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको अभी हम 7-8 क्वेश्चन क्लास के अंदर में प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से हैंडी हो जाएगी और आज ये चैप्टर भी क्या होगा, खत्म कर देंगे। तो आइए आपको आगे की ओर लेके चलते हैं छद्म। अगले प्रश्न पर हैं और इस बार आपको 4-4 प्रश्न लेकर के आए हैं। एक ही क्वेश्चन है लेकिन 4-4 प्रश्न हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया है, वो आपको अच्छा से करना होगा। कहानी है 4 चित्रों को लेकर के। 4 चित्र में आपके वृत्ताकार आकृति हैं, उसके बाद एक त्रिभुजाकार आकृति है, उसके बाद एक आयताकार आकृति है। चित्र में क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, वृत्त खिलाड़ी को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात ये जो है वो आपका खिलाड़ी है, खिलाड़ी। उसके बाद जो त्रिभुज है ये आपको डॉक्टर को इंडिकेट कर रहा है, ये डॉक्टर है। उसके बाद आयत जो है ये जो है वो कलाकारों को इंडिकेट कर रहा है, कलाकारों को। ओके, ये पूरी कहानी है। सिंपल क्वेश्चन कहता है, एकदम सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी सा बनाएंगे, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। अब उस डॉक्टर को खोजिए, डॉक्टर ये त्रिभुजाकार आकृति में है, इसमें है। तो कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है। तो देख लीजिए, अगर हम 8 को उठाते हैं तो 8 तो मेरा डॉक्टर है सबसे पहला बात, और 8 मेरा क्या है, खिलाड़ी भी है, सॉरी कलाकार भी है। लेकिन ये खिलाड़ी नहीं है क्योंकि खिलाड़ी के लिए वृत्ताकार आकृति पूछ रहा है, तो ये तो है नहीं, कहानी खत्म हो गई। 8-3 के बारे में आप देख लीजिए, ये डॉक्टर भी है। क्यों डॉक्टर है? क्योंकि त्रिभुजाकार आकृति में है। उसके बाद ये वृत्ताकार आकृति में है अर्थात ये खिलाड़ी भी हुआ। ये आयताकार आकृति में भी है इसलिए ये कलाकार भी हुआ। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। तो ऐसा डॉक्टर जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं वो नंबर कौन है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। कोई दिक्कत? सेकेंड क्वेश्चन, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तो सबसे पहले कलाकार वाला कौन है? मेरा ये वाला है कलाकार वाला। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? खिलाड़ी ये वाला है, ठीक है। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? 30 के बारे में देख लीजिए, 30 के बारे में क्या बोलता है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका कलाकार है। 29 के बारे में देख लीजिए, 29 ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पर भी, देखना भी नहीं है। 25 के बारे में देख लीजिए, ये कलाकार नहीं है। 22 के बारे में देख लीजिए, अब यह ये 22। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तो देखिए 22 क्या है, ये कलाकार है, ये खिलाड़ी है बिल्कुल है क्योंकि ये वृत्ताकार आकृति में है। तो ये कलाकार और खिलाड़ी क्या हो गया? दोनों हो गया, अर्थात करेक्ट आंसर क्या हो गया? नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही क्या है, डॉक्टर हैं। जो ना तो क्या है, खिलाड़ी है ना ही डॉक्टर। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 में और एक हम लोग चीज लेकर के आएंगे, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? 3 के बारे में आप देख लीजिए, ये तो 22 हम लोग लगा दिए यहां पर फटाक से। अब यहां क्वेश्चन नंबर, ये 3 के बारे में क्या है, क्वेश्चन क्या रहा है, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? 3 मेरा क्या है बताइए? 3 मेरा, 3 के बारे में, ये कलाकार है, ये खिलाड़ी है। तो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं? तो 3 जो मेरा, ये तो कलाकार और खिलाड़ी दोनों ना है जी, कलाकार और खिलाड़ी। 3 तो मेरा कलाकार भी हो गया और खिलाड़ी भी हो गया, और 22 भी मेरा कलाकार और खिलाड़ी दोनों हो गया। तो 3 यहां दोनों में जुट जाएगा, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25। यानी 25 लोग ऐसे हैं जो कि कलाकार भी हैं और क्या है, खिलाड़ी भी हैं। तो यहां 22 आंसर ना देकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से आपको देखने की आवश्यकता है। छात्रगण कह रहा है कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। देख लीजिए, 22 आपका क्या है, कलाकार भी है खिलाड़ी है। खिलाड़ी है 22? ओ नहीं, हाँ खिलाड़ी है, चूंकि ये वृत्ताकार पत्र में है तो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हो गया, तो 22 तो हो गया। पहले 3 आपका कलाकार भी है खिलाड़ी भी है, तो दोनों को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो 22 और 3 कितना हो गया, 25। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 25। यही सब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है ऐसे प्रश्नों में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पकड़ाया हम लोग को कलाकार और खिलाड़ी के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, कितने कलाकार ऐसे हैं, कलाकार कहाँ गया ये वाला, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो देख लीजिए, 30 ऑप्शन में है, नहीं है 30। 30 एक ऐसा बंदा है जो ना तो कलाकार है, क्या है, जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही डॉक्टर। ये ना तो खिलाड़ी है और ना ही क्या है, डॉक्टर है। त्रिभुज डॉक्टर को इंडिकेट कर रहा था, तो 30 जो है ना तो खिलाड़ी है ना तो डॉक्टर है। तो आंसर हो गया आपका नंबर 30। देखिए, ये 3 पे कंफ्यूजन ना करिएगा, ये कलाकार भी है खिलाड़ी भी है डॉक्टर भी है, हमको उससे मतलब नहीं है ये कलाकार और खिलाड़ी है कि नहीं, डॉक्टर छोड़ दीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कलाकार और खिलाड़ी है कि नहीं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर है। इस कारण ये दोनों आपस में जुड़ करके क्वेश्चन नंबर 2 में इसका आंसर 25 क्रिएट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। डॉक्टर के एरिया ये वाला है 27, देख लीजिए, ये एक ऐसा डॉक्टर है ना तो खिलाड़ी है ना तो कलाकार है, तो आंसर कितना हो गया आपका 27। तो बहुत ही अंदाज से, बहुत ही जोश खरोश से ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। छात्रगण, हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे होंगे, किए होंगे। अब आइए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं टाइप 2 पे, सो दैट कि ये चैप्टर भी आपका बहुत बहुत हैंडी हो जाए। आइए अगले प्रश्न की ओर लेकर के चलते हैं। छात्रगण, इस बार एक ही वेन है और यहां पे नंबर नहीं है, लेटर्स हैं, उन्हीं लेटर पर हम लोग काम करेंगे। वेन 1, वेन 2, वेन 3। वेन 1 में अमेरिकन को इंडिकेट कर रहा है, वेन 2 रीडर को इंडिकेट कर रहा है, और वेन 3 अभिनेता को इंडिकेट कर रहा है। नंबर है आपका ए बी सी डी ई एफ और जी। पहला सवाल है, वे अमेरिकन जो रीडर हैं, तो अमेरिकन जो रीडर हैं परंतु अभिनेता नहीं है, किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वे अमेरिकन जो रीडर हैं, अमेरिकन ये पर, यहाँ पर अमेरिकन कौन हो गया, ए बी सी डी अमेरिकन है, जो रीडर है, यानी देखो ये बी जो है तुम्हारा, ये अमेरिकन भी है रीडर है परंतु ये अभिनेता नहीं है, क्योंकि ये सर्कल में ये नहीं आ रहा है। अर्थात बी जो है वो आपका अमेरिकन है जो रीडर है परंतु अभिनेता नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वे अमेरिकन जो रीडर एवं अभिनेता भी हैं किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वे अमेरिकन जो रीडर और अभिनेता दोनों है, अमेरिकन जो रीडर और अभिनेता दो है, तो सी के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये अमेरिकन है जो रीडर भी है और अभिनेता भी है। ठीक है, कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी इसलिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वे अभिनेता जो ना तो अमेरिकन है और ना ही रीडर है, वे अभिनेता, ये अभिनेता जो ना तो अमेरिकन है, ना तो अमेरिकन है और ना ही रीडर है, एकदम सिंपल जी दिख रहा है, ये अभिनेता है लेकिन अमेरिकन और रीडर नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन। नंबर 4, वे अमेरिकन जो अभिनेता तो हैं परंतु रीडर नहीं है, तो वे अमेरिकन जो अभिनेता तो हैं पर रीडर नहीं है। देखिए डी के बारे में, डी क्या है, ये अमेरिकन है अभिनेता है लेकिन ये रीडर नहीं है, किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, तो अक्षर डी के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 5 कहता है, वे रीडर जो ना तो अमेरिकन है, ये एक ऐसा रीडर है जो अमेरिकन नहीं है, जो ना तो अमेरिकन है और ना ही अभिनेता है, एफ के बारे में आपका क्या राय है, ये रीडर है और अभिनेता भी है, अमेरिकन है ना ही अभिनेता, क्या रहा है, वे रीडर जो ना तो अमेरिकन है और ना ही अभिनेता, तो एफ ना ही अमेरिकन है और ना ही वे क्या कर रहा है, वे रीडर, हाँ ठीक है, वे रीडर जो ना तो अमेरिकन है और ना ही अभिनेता है, तो एफ ना तो अमेरिकन है और ना ही अभिनेता है, तो आंसर क्या हो गया। तो आपने देखा छात्रगण कि किस प्रकार से टाइप नंबर 2 में कई कई बार में कई सारे ज्योमेट्रिकल फिगर और किसी बार में तो एक ही ज्योमेट्रिकल फिगर पर कुछ लेटर और नंबर उसके अंदर में डाले गए हैं। आपको इन अक्षरों और अंकों के बीच में एक सह संबंध, एक कोरिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है और उसके बाद ऐसे प्रश्नों का जवाब देना होता है।
आपको हमेशा इन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो ये चित्र होते हैं, जो ये आकृतियां होती हैं, इन आकृतियों में जो अंक और जो अक्षर हैं उसके बीच के रिलेशंस को ही आपको निकालना होता है। इस रिलेशन पर आप कैसे काम करते हैं, कैसे निकालते हैं, यही इस पूरे चैप्टर की सार होती है। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल की क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम सब आपको नए चैप्टर की ओर लेकर के चलेंगे छात्रगण। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, बाय बाय।